हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट पर ही। आगे हम लोग देख रहे थे टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम लोगों ने लास्ट टर्म पर बात करी थी, आज हम इसी के तीन टर्मोलॉजी और लेकर चलेंगे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि TR, AR, MR में हम लोगों ने रेवेन्यू फंक्शन में देखा था कि AR फंक्शन यानी कि एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए जो आप सेल कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जब हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम क्वांटिटी से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। एवरेज कॉस्ट आपकी एक एवरेज फॉर्मेट को बताती है कि कितनी कॉस्ट आपकी पर यूनिट आ रही है। ये पर यूनिट कॉस्ट जो आपकी है, चूंकि टोटल कॉस्ट आपके टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनी होती है, तो TFC और TVC के एडिशन को अगर हम क्यू से डिवाइड करेंगे तो ऐसे फंक्शन को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, TFC अपॉन क्यू प्लस TVC अपॉन क्यू। इट मीन्स कि हम इसे एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के समेशन को शो कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है वैसे ही जैसे कि टोटल कॉस्ट जो है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन होता है। लेकिन टोटल कॉस्ट में जब हम बात करते हैं कि 100 प्लस 2x सपोज, तो 100 वहाँ पर फिक्स कॉस्ट होती है और 2x जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन एवरेज कॉस्ट चूँकि हम क्वांटिटी से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो भी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और जब इसका हम फंक्शन बनाते हैं, इसको ग्राफ पर प्लॉटिंग करते हैं, तो ये अति परवलय आकार का आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्मेट का होता है जो किसी भी एक्सेस को टच तो नहीं करता लेकिन वो डिक्रीज होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो कॉस्ट लगाते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट लगाते हैं वो एक बारी में लगाते हैं और जैसे जैसे आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करते जाते हैं वही कॉस्ट आपकी हर क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती चली जाती है, जिस कारण से आगे की आने वाली क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें वो बहुत कम हो जाती है, लाइक निलिजिबल हो जाती है लेकिन ज़ीरो नहीं होती। 0.000 चली जाएगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि हर एक यूनिट को बनाने में उसकी कॉस्ट आएगी ही आएगी। ऐसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमको जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन मिलता है वो यू शेप का मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप टोटल प्रोडक्शन करते चले जाते हैं तो आप टोटल प्रोडक्शन करने के लिए जब अपने वेरिएबल्स को लगाते हैं, अपने रिसोर्सेस को लगाते हैं, तो वो रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। या जो आपने दो वेरिएबल रिसोर्सेज लिए हैं उसमें से कोई फिक्स रिसोर्स हो और दूसरा वेरिएबल रिसोर्स हो, तो जब इनका एक सही कॉम्बिनेशन आकर बैठता है तब तक कॉस्ट रिड्यूस होती चली जाती है क्योंकि हर एक रिसोर्सेज का आपस का रेशियो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसी को हम टेक्निक कहते हैं। तो जैसे जैसे टेक्निक आपकी बेस्ट होती चली जाती है वैसे वैसे कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती चली जाती है और एक मिनिमम पॉइंट में आने के बाद फिर यही चीज़ें जब आपका बढ़ने लग जाती है या रेशियो बिगड़ने लग जाता है आपका, तो कॉस्ट वहीं पर आकर के बढ़ने लग जाती है या सारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो जाते हैं तो कॉस्ट आपकी बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप होता है वो आपका यू आकार का होता है। कुछ केसेस में वी भी हो सकता है, कुछ केसेस में ये चपटा यू आकार का हो सकता है, लेकिन ये आपको एक कर्वेटिक ही मिलेगा कि ऊपर से मतलब पैराबोला टाइप का मिलेगा कि एक बार डिक्लाइन करेगा, मिनिमाइज होगा और फिर उसके बाद ये अपर होने लग जाएगा या बढ़ने लग जाएगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी यू शेप की पाई जाती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म की पाई जाती है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपको एवरेज कॉस्ट मिलती है। तो एवरेज कॉस्ट आपकी वो भी एक यू आकार की बन जाती है इन दोनों के समेशन के कारण। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन करती है होल पीरियड तक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती है लेकिन AFC के नीचे होती है और उसके कारण वो डिक्लाइन भी करती रहती है। जब नीचे होती है और डिक्लाइन भी करती रहती है तब भी ये दोनों का डिक्रीजिंग पार्ट जो है वो AC को गिराता है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिक्लाइन होने के बाद मिनिमम होती है और इंक्रीज भी करती है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जब तक नीचे बनी रहती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो आपका नीचे बनी रहती है एवरेज फिक्स कॉस्ट की डिक्लाइनिंग रेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की रेट को भी कम करा रहता है, अपने से नीचे रखता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट गिरती रहती है।
और जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना, उसका इंक्रीजिंग पार्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट के रेट से अधिक हो जाता है, तो एवरेज कॉस्ट टर्न ले लेती है और वो बढ़ने लग जाती है। तो ये आपको आप जानकारी आज मिली कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और एवरेज कॉस्ट क्या होती है। क्यों एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी डिक्लाइन ही करती है, उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप की होती है, क्यों यू शेप की होती है वो आपको जानकारी मिली, और इन दोनों के समेशन से जो एसी का कर्वेटिक फॉर्म बनता है वो क्यों बनता है, आज आपको ये भी एक अच्छी जानकारी मिली। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।